नमस्कार, मैं अंशिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी ने किया पूजन। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है और श्री रामलला के प्रथम दर्शन हो गए हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का छत्र लेकर आए और गर्भगृह में मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। पीएम मोदी ने रामलला की आंख से पट्टी खोली और कमल का फूल लेकर पूजन किया। रामलला पीताम्बर से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में धनुष बाण धारण किया है। रामलला को सोने का कवच कुंडल करधन माला पहनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने रामलला को साष्टांग दंडवत किया। पूजन के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प वर्षा की गई। समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से हुई और 18 राज्यों के 50 वाद्य यंत्र बजाए गए। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने उपवास तोड़ा। स्वामी गोविंद देव ने प्रधानमंत्री को जल पिलाया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी 11 दिन से उपवास कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को चांदी से निर्मित राम मंदिर का मॉडल सौंपा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले पीएम मोदी, टेंट में नहीं भव्य मंदिर में रहेंगे रामलला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों के अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदानों, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बधाई। मैं गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। यह क्षण अलौकिक है, यह पल पवित्रतम है, यह माहौल, वातावरण, यह घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दैवीय आशीर्वाद और दिव्य आत्माओं की वजह से ये कार्य पूरा हुआ है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को नमन करता हूँ। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतने सदियों तक यह कार्य नहीं कर पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोले, विश्व को त्रासदी से राहत देगा नया भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर लौट कर आया है। पूरे विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा। आज का कार्यक्रम इसका प्रतीक है। मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमें भी तप करना है। रामराज कैसा था यह याद रखना है। हम भी भारत वर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ हमारे हैं जो जयगान करते हैं। हमें अच्छा व्यवहार रखने का तप आचरण करना होगा। हमें भी सारे कलह को विदाई देनी होगी। छोटे छोटे विवादों को लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। हमें समन्वय से चलना होगा। आपस में समन्वय रखकर व्यवहार रखना ही सत्य का आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, जिसका मतलब सेवा और परोपकार है। सीएम योगी ने कहा, मंदिर वहीं बना जहां के लिए लिया गया था संकल्प। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामलला का मंदिर वहीं बना है जहां के लिए संकल्प लिया गया था। रामलला सिंहासन पर बैठे हैं। भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। रामलला की छवि बिल्कुल वैसी है जैसा तुलसीदास ने कहा था। भाग्यवान है आज की पीढ़ी जो इस पल की साक्षी बनी है। आज पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निहार रही है। अयोध्या नगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी है। हर जुबान राम नाम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भारत के साथ दुनिया भर में सीधा प्रसारण किया गया। अमेरिका में 300 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रभु राम के भजन किए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर समारोह के साथ अमेरिका के सभी मंदिरों में प्रसाद वितरित किया गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार रैली निकाली। इसके साथ ही 100 जगहों पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट किया गया। डेनमार्क में भारतीय मूल के लोगों ने आरती की। कनाडा के ओंटारियो राज्य के ब्रॉम्पटन और ओकविल में राम मंदिर डे मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और न्यू साउथ वेल्स आदि में राम भजन गाए गए। केन्या, तंजानिया, युगांडा और
मोजाम्बिक में कार रैली समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रीलंका, न्यूजीलैंड और फ्रांस में राम भजन, नेपाल के जानकी मंदिर में जलाए 1,00,000 दिए। नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और 1,00,000 से अधिक दीप जलाए गए। श्रीलंका के सीता एलिया मंदिर में पूजा की गई। लोगों ने भगवान राम के भजन गाए और जयकारे लगाए। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां रावण ने माता सीता को रखा था। ताइवान के इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन किए गए। न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सिमोर ने जय श्री राम के नारे लगाए और भगवा स्कार्फ गले में लपेटकर भारत को राम मंदिर के लिए बधाई दी। डेविड सिमोर ने कहा कि मुझे राम मंदिर जाकर खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।